हो गया। कितने बजे लगाते हैं, कितने बजे लगाते हैं, कितने बजे खत्म? भाई जान 12:30 बजे लगाता है, ठीक है। और 1 से 1:15 के दरमियान जो भी बंदा था वो कहता है मास इस तरह ही है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, मिलती नहीं है। पहलवान खुद बैठते थे इधर, ठीक है। उनके बाद लब्बा पहलवान, छह पहलवान के बेटे, सही हो गया, बैठते थे। उनके बाद तैयब है विक्की, उनका वो बैठे, यानी कि तीसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन चल रही है। ओ चिकन कौरमा के बिरयानी, चिकन कौरमा, अच्छा ये कौरमा वाला है और यहाँ पे बिरयानी वाली है, पालक है, पालक, इसके बाद बिरयानी बन रही है। यार 50 रुपये में आप देखें इस महंगाई के दौर में रायते दिखाएं, माशाल्लाह कितने ज़्यादा इन्होंने दिए। अस्सलामु अलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त शालमी में मौजूद हूँ। यार शालमी एशिया की सबसे बड़ी जनाब तजारती हब है, यहाँ पर हर किस्म का आपको सामान मिलेगा ज़रूरत ज़िंदगी का। तो यार यहाँ पे मैं सामान लेने कुछ नहीं आया, बाय द वे एक फ़ूड कवर करने आया हूँ जो कि 40 साल पुरानी शॉप है। इसके बाद हम जाएंगे दोपहर के टाइम हम लंच करेंगे बुबा टिक्की वाले के पास। बुबा टिक्की वाले की ख़ास बात यह है कि जनाब 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है, एक टिक्की के साथ वो 4 किस्म की चटनियाँ देते हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, बस बता दूँ ये सामने शालमी रोड जा रहा है, ये सादा रंग महल की तरफ जा रहा है। यहाँ से जैसे ही आप आएंगे ना एक गोसिया हनफिया मस्जिद है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये पॉइंट है खुशिया पहलवान। चलते हैं आप, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक है, अल्लाह का करम शुक्र। भाईजान किस नाम से ये स्टॉल लगाया हुआ आपने? खुशिया पहलवान लजीजा बिरयानी वाले। सही हो गया, तो क्या क्या होता है आपके पास? हमारे पास पाए होते हैं, मगज होता है, जुबान की बोती होती है, लाल बूटी होती है, खाद होती है। और टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे लगाते हैं? सुबह 6 बजे लगा लेते हैं, 12 बजे 1 बजे तक ये खत्म हो जाता है। सही। उसके बाद बिरयानी का स्टॉल लगाते हैं, वो सामने क्वार्टर लगा हुआ है, वो देखो आपके सामने, वो सामने वो बिरयानी बन रही है, बिरयानी बन, वो कितने बजे स्टार्ट होगी? फ्रेश लगाते हैं हम, रोज के रोज पकाते हैं, कारीगर लहदा लहदा रखे हुए, ठीक है। हाँ जी, तो वो 11 बजे 10:30 बजे। और देसी मुर्गा भी होता है आपके पास? देसी मुर्गा बुध को और जुमेरात को लगाते हैं। दो दिन। सही होगा, सही होगा। तो पाया कितने का है, प्राइस क्या पाए की? पाया हम 250 का देते हैं, एक 350 का देते हैं। और दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये छोटा होता है, ये देखिए, ठीक है, और ये इसको गुट वाला कहते हैं, ये सही होगा, ये 350 का, ये 250 का, सही हो गया। और क्या क्या, ये मगज़ है? ये मगज़ है, ये खाद वगैरह पड़ी हुई है? हाँ जी, ये खाद है, ये जुबान की बोटी है, ये मगज़ है। और ये कितने साल पुरानी दुकान है? ये 45 साल, तकरीबन 45 साल। यहीं पे आपको हो गया? हाँ, शू मार्केट में। हाँ, शू मार्केट में लगाते हैं। पहले कौन था यहाँ पे? पहले खुशिया पहलवान खुद बैठते थे इधर, ठीक है। उसके बाद लब्बा पहलवान, खुशिया पहलवान के बेटे, सही हो गया, बैठते थे। उनके बाद तैयब है विक्की, उनका वो बैठ, यानी कि तीसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन चल रही है। ओ माशाल्लाह 40 साल हो गए जनाब इनको यहाँ पे शू मार्केट के अंदर। और 2 दिन देसी मुर्गा होता है, इतवार का नागा, इतवार की छुट्टी होती है, इतवार को छुट्टी होती है, सही हो गया। और 6 बजे ये लगा लेते हैं जी। माशाल्लाह ये पाया आया है और ये साथ स्पेशल कुलचा आया, इसको भी टेस्ट करते हैं। देखने में जो है ना बहुत ही उम्दा है और खुशबू एक अमेजिंग किस्म की खुशबू आ रही है। जो पाया है ना जनाब वो बेसिकली फुल कुकड है और माशाल्लाह टेंडर जो है ना वो बहुत है। ये देखें, मुँह में जाते ही जनाब इस तरह घुल मिल जाता है और एक बड़ा ही ना यूनिक फ्लेवर आ रहा है। और पायों में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो नोट की जाती हैं, एक तो स्पेशल फुल कुक्ड हो ये और जो है इसका जो फ्लेवर है प्रॉपर फ्लेवर आना चाहिए जो कि दोनों भी इसमें मौजूद है। और प्राइस भी बड़ी मुनासिब है, 1-250 रुपये का पाया और 1-350 रुपये का, और सालन जितने का भी कोई मांग रहा है वो दे रहे हैं। यार गुड हो गया, नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, नाश्ता बेहतरीन किस्म का नाश्ता था, अच्छा नाश्ता था। यह आपको मिलेगा शालमी से।
तो जनाब दोपहर का टाइम हो गया और अब मैं दूसरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ये जनाब मेरे पीछे है बटी चौक और ये सामने सुजुकी शोरूम है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये जो है ना जनाब, ये बूबा टिक्कियों की शॉप है। यहाँ पे चलते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कब से आप खा रहे हैं टिक्कियाँ? यार मैं पिछले, यकीन करें कि क्या बताऊँ इसके टेस्ट की, 5 साल पहले मैं दुबई से आया था, मुझे एक बंदा उधर ले गया और यकीन करें कि मैं तब से, 5 साल हो गए हैं, तो जब मेरा वेरी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ खाने को दिल करे ना तो भाईजान मैं इस बूबे की टिक्कियों का। तो इसकी क्या खास बात है, ये सुना जल्दी ख़त्म हो जाती है? चटनी है, 5 किस्म की चटनी है एक टिक्की के साथ। सही। और जब से शुरू की थी वो टिक्की 25 रुपए की थी, जब से ये लिखा लिखा भी हुआ है। ये 15 रुपए की नान, हाँ जी, और एक टिक्की 30 रुपए की। अभी ये देखे भाई भी पूछ रहे खत्म हो गए? नहीं भाई खत्म भी है, अभी है, अभी है। तो कितने बजे लगाते हैं, कितने बजे लगाते हैं, कितने बजे खत्म? भाईजान 12:30 बजे लगाता है। ठीक है। और 1 से 1:15 के दरमियान जो भी बंदा था वो कहते मसला इस तरह ही है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेवल है भाईजान, नेक्स्ट लेवल है, आप एंजॉय करेंगे। अभी अभी टेस्ट करते हैं फिर जनाब। अस्सलाम वालेकुम बुबा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है। बुबा भाई कब से लगा रहे हैं टिक्कियां आप? 12 साल हो गए। 12 साल इसी जगह पे, इसी गली में, इसी जगह पे। एड्रेस बता दें जरा अपना। मर्जीपुरा 15 रोड, सामने सुजुकी शोरूम। सामने सुजुकी शोरूम। सही हो गया। और आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या स्पेशल होता है आपके पास? शामी टिक्कियाँ होती हैं, इसके साथ क्या देते हैं आप? 4 रहते हैं। कौन कौन से हैं जरा बताएं? खीरों का रहता है, खीरों का, ये पुदीने का रहता है, पुदीने का, ये टमाटर वाली है चटनी, और ये मीठी है इमली आलू बुखारे, और ये साथ सलाद भी देते हैं। और टाइमिंग क्या है दुकान की? 12 से 1:30 बजे तक। 12 से 1:30 के अंदर अंदर 1.5 घंटे में फारिग। और रोज़ की कितनी टिक्कियाँ लगाते हैं आप? 200 टिक्कियाँ लगाते हैं और 1.5 घंटे के अंदर फारिग हो जाते हैं। ऐसे ही है। सही हो गया। और टिक्की की प्राइस क्या है, कितने की टिक्की है ये? 50 रुपये की। 50 रुपये की है, ठीक हो गया। और साथ रायते फ्री हैं? रायते फ्री। और नान कितने का है? नान 25 रुपये। सही हो गया जनाब, 25 रुपये का नान है। टिक्कियों का साइज़ चेक करें, माशाल्लाह घर से बना के लाते हैं। और चिकन वाली है, घर से बना के लाते हैं, ला के इसको तवे पे गरम करते हैं। और जनाब और फिर चिकन की भी बराबर मकदार है भाई जान, जितनी दाल है समझ लो उतना चिकन है उसमें। सही हो गया। ये देखें जनाब, ये टिक्की चेक करें, क्या बात है। चिकन आप देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंसी के साथ चिकन आपको नज़र आएगा बीच में, और सफाई का प्रॉपर जो है इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। बुबा भाई हमारी टिक्कियाँ लगा दें। ये कौन सी चटनी डाली है सबसे पहले आपने? खीरों का रहता है। खीरों का रहता है, मलाई में बनी हुई है? किस मलाई में? मलाई में बनी हुई है चटनी। ये साथ सैलेट आ गया, क्या बात है, क्या बात है जनाब। चेक करें ये एक शामी टिक्की के साथ बीच में चिकन भी ऐड है, और देखिएगा अभी आप ये कितनी चटनियाँ मिलती हैं हमें मात्र 50 रुपये में। इस तरह पचास रुपये में जनाब। अभी देखें आप, सीन शुरू हो गया। ये कौन सी डाली है भाईजान चटनी? पुदीने वाली। ये पुदीने वाली आ गई है। अगली कौन सी आएगी भाईजान? ये मीठी है। ये मीठी आ गई भाईजान, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद कौन सी आएगी बुबा भाई? ये टमाटर वाली है। टमाटर वाली, ठीक हो गया जनाब। ये देखें जनाब, इधर टिक्कियाँ गर्म हो रही हैं। मैं जो हूँ ना आज जनाब जल्दी आ गया था, सुबह से पहले पहले आ गया, ताकि मैंने कहा यार मुझे 12 ही मिल जाए, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया ना उन्होंने कहा यार आपने 12:30 बजे पहुंच जाना है और 1 बजे वहां पे जो है ना काम भगदड़ बिजी होगी। तो मैं आ गया और मेरा ऑर्डर लगा दिया बुबा भाई ने। ये आप देख सकते हैं, एक ये पुदीने की चटनी है, ये टमाटर वाली चटनी है, ये इमली आलू बुखारा की चटनी है, ये इनका स्पेशल रायता है मलाई का बनाया हुआ, खीरे ऐड किए हुए हैं, और साथ सैलड दिया है, और ये हमारी जनाब टिक्कियाँ आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान जो है ना गर्मा गर्म नान है, ले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जो इनकी शामी है ना यार, ये देखें यार 50 रुपये में, आप देखें इस महंगाई के दौर में रायते दिखाए, माशाल्लाह कितने ज़्यादा इन्होंने दिए, और तादाद देख लें आप, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में कमाल हो गया यार। तो भी टेस्ट करते हैं, ये शामी आ गए यहाँ से। अच्छा जी, ये नमस्ते, चल नहीं जान से बात, ये आया बीच में रायता, ये इनकी आ गई मलाई वाली, और ये आएगी जनाब इनकी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी।
और साथ दिला दें ऊपर थोड़ी सी सलाद। ओए होए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए होए बेसिकली इन टिक्कियाँ इन्होंने घर में फ्राई की हुई हैं और मुंह में जाते इतने बैलेंस फ्लेवर आते हैं ना इनके जो रायता है बेसिकली। ये देखें काली मिर्चों में बना हुआ है, देखें बीच में ब्लैक पेपर इन्होंने ऐड किया हुआ है यार, एक यूनिक फ्लेवर है। और आप देखें कितनी तादाद में ये चटनियाँ दे रहे हैं। और आप अगर आप इसको सिंपल खाएंगे उसका भी बहुत मज़ा आएगा यार। आप यहाँ से ये शामी और बिस्मिल्लाह यार लिटरली आपने बहुत सी शामी टिक्कियाँ खाई होंगी मगर ये जो शामी है ना यार नेक्स्ट लेवल है, हिडन फूड पॉइंट है। और जो सुबह वाला पॉइंट हमने कवर किया था वो भी यार अच्छा पॉइंट था, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यार। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। मैं जाके अपनी टिक्कियाँ खा लूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।